हेलो दोस्तों, हम सभी को कोई ना कोई पेट रखना अच्छा लगता है और सबसे कॉमनली जो पेट रखा जाता है वो डॉग होता है। और जो लोग डॉग रखते हैं वो इस चीज को बड़े अच्छे से समझ सकते हैं कि डॉग भी हमारी फैमिली के एक मेंबर की तरह ही होता है। जिस तरीके से हमारे बच्चों को केयर और प्रोटेक्शन की जरूरत होती है, ऐसे ही हमारे डॉग को भी केयर और प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। जिस तरीके से हमारे बच्चे चीजों से डरते हैं, हमारे बच्चों को किसी चीज से फोबिया होता है या हेजिटेशन होती है, ऐसे ही हमारे डॉग को भी हेजिटेशन या किसी चीज से फोबिया हो सकता है। तो आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि अगर हमारे डॉग को किसी चीज से फोबिया है या किसी चीज से हेजिटेशन है जिसकी वजह से वो पैनिक क्रिएट करते हैं, तो हम उस सिचुएशन में अपने डॉग को काम डाउन कैसे करें या कैसे उसको कंट्रोल करें। चलिए शुरू करते हैं। कॉमनली हमारे डॉग को जो फोबिया होता है या जो डर होता है वो ट्रेवलिंग से और बाथिंग से होता है। जब हम अपने डॉग को गाड़ी में कहीं ले जाना चाहते हैं तो वो गाड़ी के अंदर घुसना ही नहीं चाहते, वो वहां से निकल निकल के वापस भागते हैं और कभी कभी वो इतना पैनिक क्रिएट कर देते हैं कि उन्हें कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। और ऐसे ही उनको नहलाने के वक्त होता है, जब हम अपने डॉग को नहलाना शुरू करते हैं या नहलाने की कोशिश करते हैं तो वो इतना अवॉइड करते हैं, इतना भागने की कोशिश करते हैं कि उनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो आज हम आपको एक नेचुरल रेमेडी बताएंगे जिसको यूज करके आप अपने डॉग को काम डाउन कर सकते हैं, उसे कंट्रोल कर सकते हैं और उसके इस फोबिया को दूर कर सकते हैं। इस नेचुरल रेमेडी को प्रिपेयर करने के लिए आपको 6 चीजें चाहिए, जिसमें सबसे पहली चीज है 350 ml की एम्प्टी स्प्रे बॉटल, दूसरी चीज है 60 ml विच हेजल लिक्विड, तीसरी चीज है 2 teaspoon ऑफ रेड टर्की ऑयल जिसे हम सल्फेट कास्टर ऑयल भी बोलते हैं, चौथी चीज है 3 drops ऑफ रोमन कैमोमाइल इसेंशियल ऑयल, पांचवी चीज है 3 drops ऑफ लेवेंडर इसेंशियल ऑयल और छठी चीज है 150 ml डिस्टिल्ड वाटर। अब इस नेचुरल रेमेडी को तैयार कैसे करना है, सबसे पहले विच हेजल लिक्विड के अंदर सारे इसेंशियल ऑयल डाल के उसको अच्छे से शेक कर ले। अच्छे से शेक करने के बाद उसमें डिस्टिल्ड वाटर मिक्स करके उसे फिर से शेक कर ले और सारे लिक्विड्स को फिर जो आपने 350 ml की एम्प्टी स्प्रे बॉटल ली थी उसके अंदर डाल लें। उसके बाद अब इसको यूज कैसे करना है, जब भी आपका डॉग पैनिक करे या फिर उसे किसी चीज से डर लग रहा हो और वो बेकाबू सा हो जाए, तब आप उसके चेहरे को हाथ से या कपड़े से ढक लें, उसकी आंखें और उसके मुंह को ढक लें और उसकी बॉडी पे ना दूर से हल्का हल्का स्प्रे करना शुरू करें और पूरी बॉडी पे 8 से 10 स्प्रे करें और स्प्रे करने के बाद ना उसकी बॉडी पे हाथ फिराना शुरू करें। उससे कुछ ही सेकंड्स में, 10 to 15 seconds में डॉग जो है वो काम डाउन होना शुरू हो जाएगा, उसे फील गुड सा होना शुरू होगा और आपका डॉग विद इन 30 seconds बिल्कुल काम डाउन हो जाएगा। और उसके बाद आप उससे जो भी काम कराना चाहेंगे, फॉर एग्जाम्पल आप उसको नहलाना चाहेंगे वो इजिली नहाने के लिए भी एग्री हो जाएगा और आप उसे कहीं बाहर ट्रेवलिंग के लिए ले जाना चाहेंगे तो वो गाड़ी में भी चलने के लिए आपका तैयार हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो।